जय हिंद नमस्कार मेरे शेर लाडलो लाडलियो स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी आज का वीडियो स्पेशली एस एस की नई भर्ती को लेकर है और बहुत सारे बच्चों ने हर एक अलग अलग चैनल पे बहुत सारे वीडियो देख लिए होंगे काफी वीडियो देख लिए होंगे आपने एस एस सी के फिर भी कई बच्चे इस बात पे विश्वास नहीं करे मैंने जब पिछला वीडियो डाला था तो बहुत सारे बच्चों ने ऐसे बोला था कि सर ये भर्ती आएगी नहीं इसकी अभी तैयारी करने से क्या फायदा तो अगर आपको जो मानना मान लीजिए लेकिन मैं आपको बता दूं जो बच्चे ये मानते हैं कि ये भर्ती आएगी नहीं ये उनकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी भर्ती आएगी नहीं ऐसा तो कभी होगा ही नहीं हो सकता है कि दो महीने लेट हो जाए एक महीने लेट हो जाए ज्यादातर बच्चे क्या कर रहे हैं कि एस एस का कैलेंडर देख रहे हैं आज मैं कैलेंडर से तुमको प्रूव कर दूंगा कि वो कैलेंडर भी गलत होता है कई बार ऐसा हुआ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कई बार ऐसा हुआ मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि लाडलो अक्टूबर नवंबर के महीने में आपको एस एस की नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी ठीक है हंड्रेड परसेंट बोला था आप तो आप बोले थे कि सर कोई नोटिस नहीं है मैं आपको बता दूंगा जब ये अक्टूबर नवंबर का महीना आएगा ना बता दूंगा मैं आपको कि देखो बिना नोटिस के आ गई अब क्यों क्योंकि उस समय कैलेंडर अपडेट होगा नए कैलेंडर में नई चीजें आएंगी उसमें एस एस कांस्टेबल का नाम होगा ही होगा क्योंकि इससे पहले के जितने भी कैलेंडर आप देख लेना हर एक कैलेंडर में एस एस का नाम तो रहता ही है ठीक है तो ये वैकेंसी कितने पदों पर आने वाली है इसको लेकर आप अलग अलग चीजें सुन रहे हैं कोई बोल रहा अस्सी हजार कोई बोल रहा और कल एक जो नोटिस वायरल हो रहा था वो हो रहा था बत्तीस हजार का देखो पदों के बारे में कोई भी चीज कहना उचित नहीं है क्योंकि होता क्या है एसएससी में कई बार ऐसे अभी जो वैकेंसी अभी लेटेस्ट खत्म हुई है ये पच्चीस हजार पोस्ट पर थी कितने पद बढ़ गए इसमें पच्चीस हजार लास्ट में पचास हजार पदों पर यह भर्ती कंप्लीट हुई है ठीक है तो पदों की आप चिंता मत करिए पद ऊपर नीचे होते रहते हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है पद के लिए और वैकेंसी एस की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि साठ हजार सत्तर हजार पदों पर वैकेंसी हो इतनी ही होती है इससे कम तो बहुत कम होती है जी डी की वैकेंसी ठीक है इसीलिए कल मैंने जब अनाउंसमेंट किया था अग्रिम बेच के लिए कि लाड़ दो एस एस का बिल्कुल नए सिरे से अग्रिम बेच शुरू हो गया है उस पर आप सभी की बहुत सारे बच्चे उसमें सर्वर डाउन होने की वजह से परचेज नहीं कर पाए तो मैं आपको बता दूं ये ऑफर आपके लिए आज आज और वेलिड है पचास डिस्काउंट के साथ जो भी बच्चा एस एस सी को अपना टारगेट मान रहा है वो इस बेस से जुड़ सकता है विशेष बात कि नुकसान क्या है मुझे बताओ कि अगर आप अभी से तैयारी करोगे ये कोई माह के लिए नहीं है छह माह के लिए नहीं है ये बेस तब तक के लिए जब तक एस एस का पेपर नहीं दे लोगे तो आपको दोबारा पैसे देने की जरूरत नहीं हमेशा लाइव बेस रहेगा ये रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं है रिकॉर्डेड बेस तो बिल्कुल फ्री है इसके साथ में और लाइव क्लासे हमेशा रहेगी लाइव क्लास साथ में जैसे कोर्स हो गया रिवीजन उसके साथ में आपकी प्रैक्टिस सेशन शुरू हो जाएगा और इसी प्रकार हमने पिछले को पढ़ाया था और गारंटी है मेरी कि 100 परसेंट सिलेक्शन पालोगे अगर आप आज से तैयारी करोगे क्योंकि अभी से सात महीने का समय है या एस एस जी डी के पेपर में तो जो बच्चा यह सोचता है कि मैं तीन महीने में तैयारी कर लूंगा तो यह आपकी गलत है तीन महीने में तैयारी एस एस की नहीं होगी आर्मी की कर लेना एस एस के लिए तो कम से कम आपको लंबी तैयारी करनी पड़ेगी अब बात करते हैं वैकेंसी की जो बात कमांडो अकेडमी एप्लीकेशन जिसने डाउनलोड नहीं किया कर लीजिए डेमो के लिए भी आज डेमो क्लास लगाइए उसके वीडियो भी देख लीजिए और कमांडो अकेडमी के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है अगर आप एस एस को अपना टारगेट मानते तो उस ग्रुप से जुड़ जाइए आपको एडी से लेकर चोटी तक ए टू जेड सारी जानकारियां उस ग्रुप में मिलती रहेगी समय समय पर ठीक है कमांडो अकेडमी के नाम से लाड लो अब ये कैलेंडर है इसमें आप सबसे ऊपर देखो एक नंबर पे ये आप खुद जाके भी देख सकते हो मेरे कहने की जरूरत नहीं है आप एस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वेबसाइट है ssc.nic.in उस पर जाइए और देख लीजिए आपको सबसे ऊपर ऊपर क्या लिखा हुआ है कांस्टेबल जीडी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस यानी जो एसएससी जीडी की वैकेंसी है सीबीसी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम 27 अक्टूबर 2022 को इसकी नोटिफिकेशन आई थी 30 नवंबर क्लोजिंग डेट थी और मार्च सॉरी जनवरी फरवरी में इसके एग्जाम हुए दो हजार में अभी भी वो मेंशन है आप जाके देख लेना तो कैलेंडर डेली अपडेट नहीं होता ऐसा कैलेंडर में नीचे तक नहीं दिख रही है तो आप ये बोल रहे तो तक हमारे को जनवरी फरवरी तक बेटा जनवरी फरवरी तक ही मत सोचो आपकी जो अपडेट हो रखी है ना वो अक्टूबर तक हो रखी है वो तो जनवरी फरवरी तक तो इनकी एग्जाम डेट है जबकि इसका अपडेट है ना वो तेरह अक्टूबर तक ही है कैलेंडर का

कितनी भाषा में सीएपीएफ के सारे पेपर कितनी भाषाओं हुँ में होंगे तेरह हुँ भाषाओं में होंगे उसके पहले भी आपने एक नोटिस और देखा होगा जो लगभग ये जो नोटिस देखा होगा आपने एक लाख उन्तीस हजार पदों पर बढ़ती। इसमें एक लाख पच्चीस हजार पुरुष और लगभग चार हजार महिलाएं ये सीआरपीएफ की तरफ से नोटिस था ठीक है ये जो नोटिस है ना ये सारी ये तो सत्य ऑफिशियल वेबसाइटों पर पड़े हैं तो जो भी बच्चा ये मान ले रहा कि नहीं सर वैकेंसी नहीं होगी तो ये आपकी है, इस भरोसे मत रहना क्योंकि जिस दिन वेकेंसी जाएगी ना उस दिन कुछ नहीं कर पाओगे आप मेरी बात को गौर कर सुन लेना कान खोल कर सुन लेना कि वेकेंसी आपकी अक्टूबर या नवंबर के महीने में एस एस के जो कैलेंडर है ना इसमें आपको दर्शाई हुई मिल जाएगी भले ही तो अक्टूबर के महीने की हो भले नवंबर के महीने की हो और आपका जो एग्जाम होगा मार्च अप्रैल तक आपका एग्जाम भी होगा ठीक है अब लास्ट में ये मत बोलना कि सर आपको ये इन्फॉर्मेशन कहां से मिली एस एस जी डी के रिजल्ट की जिस दिन मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी ना उस भी दिन किसी ने नहीं दी थी तो फिर वो कहां से मिली थी उसी दिन रिजल्ट आया था और यूट्यूब पर केवल एक वीडियो था मेरा कि आज रिजल्ट आएगा और किसी के पास में कोई जानकारी उसकी नहीं थी तो एस एस सी की अगर आप तैयारी करते हो मैं हंड्रेड परसेंट गारंटी लेता हूँ कि आपको जो भी मैं जानकारी दूंगा वो सौ परसेंट सत्य होगी उसको मान के चलना है और जो बच्चे अभी तक अग्रिम बेस से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं क्योंकि तैयारी करने का अभी समय है अगर आप अकेडमी हैं, हैं, हैं आप तैयारी करिए अग्रिम बेस के लिए जो बुकें वो भी हमारी आ चुकी है आपको बता दू उसकी जो सामान्य ज्ञान की बुक और जो प्रैक्टिस सेट की बुक है ये आपको एक से दो दिन के अंदर अंदर लाइव हो जाएगी फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे दोनों पे ठीक है तो ये बुक आप वहां से परचेज भी कर सकते हो और जिस दिन ये उस पर लाइव होगी उस दिन भारी डिस्काउंट रहेगा तो आप इसकी जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए कमांडो अकेडमी के नाम से ये स्पेशली अग्रिम बेस के लिए बुके हैं जो बच्चे अग्रीम बेस से पढ़ रहे हैं उनके लिए ठीक है लाड लो जय हिंद जय भारत